हेलो everyone, welcome वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो अभी हम जो वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में हम ई के बारे में सीखेंगे रेस्ट रिशॉर्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक जो लोग टेस्टिंग फील्ड में चार साल से ज़्यादा से हैं वो लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि आज से दो तीन साल पहले मोस्टली कंपनीज़ यू टेस्टिंग पर फोकस करती थी उनके इंटरव्यू में भी जो वो क्वेश्चन पूछते थे वो सिलेनियम या यू आई से ज़्यादा रहते थे बट आज के टाइम में इन टाइम मोस्ट ऑफ दंपनीज फोकस ऑन एपीआई टेस्टिंग सो इंटरव्यू में भी जब आप इंटरव्यू अटेंड करने जाते हो द मोस्ट क्वेश्चन आस्ट इज फॉर एपीआई टेस्टिंग रीजन इज वेरी सिंपल कंपनीज हैव शिफ्ट टू ए पी आई टेस्टिंग बिकॉज एपीआई टेस्ट केसेज आर फास्ट दैट इज फॉर श्योर एंड सेकेंड रीजन इज एपीआई टेस्ट केसेज आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू यू आई टेस्ट केसेस तो इस वीडियो सीरीज में हम रेस्ट ए शॉर्ट को इन डिटेल समझेंगे तो एक बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं सपोज मेरी एक होटल की वेबसाइट है ओके okay, नाउ आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको टिकट बुकिंग ऑफर करती है बीट मेक माई ट्रिप और इज माई ट्रिप गो आई बी बो यात्रा राइट right? अब इन सब पे अगर मुझे अपना होटल लिस्ट करना है तो इन सबको अपनी मैं बैकएंड का एक्सेस तो नहीं दे सकता तो व्हाट आई गिव विल गिव माय एपीआई एक्सेस सो आई इल शो यू द स्ट्रक्चर तो कैसा होता है सो फॉर मी ऑल दी वेबसाइट मेक माई ट्रिप गोवा बीबो यात्रा ये क्लाइंट है एंड दे रिक्वेस्ट टू माई ए पी आई एंड गेट बैक द रिस्पॉन्स इन जेस एन और एक्स एम एल फॉर्मेट सो वांस दे सेंड द रिक्वेस्ट ए पी आई विल चेक ओके दिस होटल रूम इज अवेलेबल दिस इज बुक और वॉट एवर द स्टेटस दे इल ए पी आई विल सेंड बैक दम रिस्पॉन्स इन जिस इन फॉर्मैट सो दैट वो अपनी वेबसाइट पर शो कर सके कि ये वाला होटल रूम बुकड है ये वाला होटल रूम अवेलेबल है आई होप ये क्लियर हो नाउ कोई भी ए पी आई को अगर हमने टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है ये डॉक्यूमेंटेशन आपके डेव फॉर श्योर प्रोवाइड करेंगे सो वंस यू हैव दैट डॉक्यूमेंटेशन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टेस्ट दैट ए पी आई तो इस कोर्स में हम सिंपल बुक्स ए यूज करने वाले हैं उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू हैव दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रैक्टिस ओके सो इसमें सब डिटेल्स अवेलेबल हैं दिस इज द बेस यूआरएल, कौन कौन सी रिक्वेस्ट यू कैन फायर एंड किस टाइप का रिस्पॉन्स यू विल गेट बैक सो एवरी इज देयर सो एक सिंपल एग्जाम्पल से हमते हैं पोस्टमैन से इसके बाद हम एक में रेस्ट शॉर्ट के थ्रू भी वही सेम करेंगे तो दिस इज द बेस यू आर एल एंड फर्स्ट लेट्स गेट द स्टेटस जस्ट टू सी वेदर दिस ए पी आई इज वर्किंग और नॉट सो दिस इज पोस्टमैन यू कैन गेट इट फ्रॉम वेब यू कैन डू इट ईदर ऑन क्रोम और यू कैन डाउनलोड दी ऐप आई माई सेल्फ प्रेफर दी ऐप तो इसलिए मैंने ऐप डाउनलोड करके रखी है यू हैव टू क्रिएट दी कलेक्शन फर्स्ट यू कैन क्रिएट दी कलेक्शन बाई क्लीविंग ऑन दिस प्लस आई कन उसके बाद यू विल ऐड द रिक्वेस्ट सो आर फर्स्ट रिक्वेस्ट इज सिंपल स्टेटस रिक्वेस्ट सो आई नेम इट आज स्टेटस ओके नाउ इफ यू सी दिस डॉक्यूमेंटेशन इट्स जस्ट नीड वन पाथ पैरामीटर सो आई कॉपी दिस बेस यू आर एल पेस्ट इट हेयर जस्ट टाइप स्टेटस न सी दैट आई गॉट द रिस्पॉन्स हैज ओके दिस मीन्स ये ए पी आई काम कर रही है दिस ए पी आई इज वर्किंग नाउ लेट्स फायर वन मोर रिक्वेस्ट बिफोर वी मूव टू इक्लिप्स लेट्स गेट द लिस्ट ऑफ बुक्स सो टू गेटिंग द लिस्ट ऑफ बुक्स देयर इज दिस अगेन पाथ पैरामीटर स्लैश बुक्स मैं पाथ पैरामीटर्स और क्वेरी पैरामीटर्स के बीच में डिफरेंस बताऊँगा एज वी मूव ऑन इन दिस कोर्स बट जस्ट टू लेट यू गाइज नो दैट जो स्लैश के साथ आते हैं और हमारी बेस बेसिओरल में जुड़ते हैं वो पाँच पैरामीटर्स होते हैं सो इफ आई वॉन्ट टू गेट दी लिस्ट ऑफ बुक्स आई एल जस्ट गो इन माई पोस्टमैन इनस्टेड ऑफ स्टेटस आई एल टाइप बुक्स एंड सेंड यू कैन सी दैट आई गेट द लिस्ट ऑफ ऑल दी बुक्स विच इज़ अवेलेबल नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिट्वीन पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर सो हम कोई भी वेबसाइट जब देखते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं लेट से गूगल डॉट कॉम ही एग्जाम्पल uh, ले लेते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम लेट मी ओपन दैट फॉर यू सो दैट यू गेट द क्लियर पिक्चर इफ़ आई ओपन गूगल डॉट कॉम ओके okay. नाउ अगर मैं कुछ सर्च करता हूं यहाँ पे लेते बुक से सर्च करता हूं तो आप ये देख रहे हैं ये एक स्लैश के साथ सर्च आया और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क के साथ बहुत सारे पैरामीटर्स आए सो द पैरामीटर्स जो ये क्वेश्चन मार्क के बाद आ रहे हैं दीज आर नोन एज क्वेरी पैरामीटर्स और जो ये स्लैश के साथ आ रहा है दिस इज नोन एज पाथ पैरामीटर सो हमारी एपीआई में भी इफ यू सी इधर डिस्क्राइब किया हुआ है कि दीज आर ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर अगर तुम्हें अप्लाई करने हैं तो क्वेरी पैरामीटर बेसिकली हमारी सर्च और डिफाइन करते हैं डिफाइन एज इन शॉर्टन करते हैं इफ यू सी इसमें क्वेरी पैरामीटर इज बुक्स बिकॉज दैट्स वॉट आई सर्च फॉर एंड हेयर यू सी देर आर टू क्वेरी पैरामीटर बट वो दोनों ऑप्शनल हैं इट्स अप अपर यू वॉन्ट टू यूज इट और नॉट एक टाइप और एक लिमिट सो so, एक हम यूज करते हैं एक विल बी एक्सरसाइज फॉर यू गाइस सो लेट्स सी टाइप इज फिक्शन सो पोस्टमैन में बहुत ही सिंपल तरीका है अगर हमें क्वेरी पैरामीटर यूज करना है विच इज दिस की वैल्यू पेयर पोस्टमैन ने ऑलरेडी डिफाइन किए सो इफ एल टाइप फिक्शन ओवर हेयर एंड यू कैन सी दी वैल्यू सॉरी टाइप ओवर हेयर एंड फिक्शन ओवर हेयर एंड देन अगेन ना यू सी देर आर बोथ दोथ काइंड ऑफ रिस्पॉस फिक्शन एज वेल एज नॉन फिक्शन ना यू सी अभी सिर्फ फिक्शन वाली रिस्पॉन्स मिल रही हैं सो ये काम होता है क्वेरी पैरामीटर का आई होप दिस इज क्लियर अभी होमवर्क फॉर यू गायस यू गाइज सी यूज दिस लिमिट क्वेरी पैरामीटर इन नेक्स्ट वीडियो वील सी अबाउट इक्लिप्स थैंक यू